हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम SBI के योनो ऐप के थ्रू कैसे घर बैठे ही रेकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इस वीडियो का हर एक स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा एंड फुल वीडियो देखिए। तो सबसे पहले योनो ऐप खोलते ही आप ये जो डिपॉजिट्स का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। डिपॉजिट्स का ऑप्शन सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स का ऑप्शन दिखेगा। पहले हम देख लेते हैं कि कैसे हम फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्रिएट फिक्स डिपॉजिट में क्लिक कीजिए। यहाँ आप जितना अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज आप 10,000 रुपीज़ का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अमाउंट में 10,000 सिलेक्ट कीजिए। आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप अपने कौन से बैंक अकाउंट से पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा SBI में ओनली एक ही अकाउंट है, तो वही वाला अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे और एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ा। फिर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको इस पेज में रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पे आपको आपका 10 ईयर सिलेक्ट करना होगा। 10 ईयर का मतलब है टाइम स्पेन, मतलब आप कितने दिनों तक आपका पैसा यहाँ पे फिक्स्ड रखना चाहते हैं, तो वो आप मिनिमम 7 डेज से 10 ईयर तक रख सकते हैं। सपोज मैं 1 साल के लिए ही रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ईयर्स में 1 लिख के एंटर कर दूँगा। आपका 10 ईयर या फिर टाइम स्पेन सिलेक्ट करते ही आपको नीचे इंटरेस्ट रेट दिखाई देगा। आप अगर चाहे तो नीचे व्यू इंटरेस्ट रेट में सिलेक्ट करके जितने सारे इंटरेस्ट रेट है डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों बात वही है कि आप जितने लंबे समय के लिए अपना पैसा डिपॉजिट रखेंगे आपका इंटरेस्ट रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ड्यूरेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये वाला पेज दिखेगा, जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको आपका इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे चाहिए या फिर एट मैच्योरिटी, मतलब 1 साल के बाद चाहिए। यहाँ पे मैं एट मैच्योरिटी 1 ईयर बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर ही सिलेक्ट किया है। अगर आप जो टाइम ड्यूरेशन है वो और ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट पे आउट का जो मंथली और हाफ ईयरली ऑप्शन है वो भी आपको अवेलेबल मिलेगा, मतलब आपके अकाउंट में आपका इंटरेस्ट मंथली या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे भी क्रेडिट हो सकता है। तो हम यहाँ पे एट मैच्योरिटी फ़िलहाल सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए आपको मैच्योरिटी के टाइम पे 509 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, जो यहाँ पे आपको पहले से शो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट करते ही आपको नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आप ड्यूरिंग मैच्योरिटी क्या करना चाहते हैं, ऑटो रिन्यूअल करना चाहते हैं, क्रेडिट टू अकाउंट करना चाहते हैं, या फिर रिन्यू द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करना चाहते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्रेडिट टू अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ नेक्स्ट करते ही आपको रिव्यू पेज मिल जाएगा, जहाँ पे आपका ये फाइनल जो डिटेल्स है वो देखने को मिलेगा, यानी आपका मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट अगर आप ये आई हैव रेड एंड एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस में सिलेक्ट करके कंफर्म करते हैं तो फिर आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको एक लॉन्ग टाइम स्पेन यानी कि 1 साल से ज़्यादा का फिक्स डिपॉजिट अगर करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन मिलेगा वो दिखा देता हूँ। तो अमाउंट हमने फिर से 10,000 ही सिलेक्ट किया है। यहाँ पे ईयर्स पे हमने सपोज़ 3 ईयर्स सिलेक्ट किया है। तो आप देखिए 3 ईयर्स के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर से ज़्यादा है एंड आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन अवेलेबल मिल रहे हैं। हम फिर
एट मैच्योरिटी ही सिलेक्ट करते हैं। एंड देखिए आपका इंटरेस्ट एक ईयर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो मेरा एडवाइस आपके लिए यही होगा कि आप लॉन्ग टाइम स्पेन के लिए पैसा डिपॉजिट करें। अगर आप फिक्स्ड करना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम रिकरिंग डिपॉजिट कैसे ओपन करें। ये क्रिएट रिकरिंग डिपॉजिट वाले ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको इस पेज में रिडायरेक्ट कर देगा जहां पे आपको आप कितना मंथली डिपॉजिट करना चाहते हैं वो अमाउंट यहां पे आपको पहले एंटर करना होगा। आप मिनिमम 100 रुपीज़ का डिपॉजिट कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहां पे 1000 रुपीज़ सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट करते ही हमको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना होगा कि हम कितने टाइम स्पेन के लिए ये रुपीज़ रखना चाहते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 1 ईयर सिलेक्ट किया है। इसके बाद हमको सिलेक्ट करना है कि हमको हर महीने किस डेट पे अपने अकाउंट से पैसा डिपॉजिट करना है। तो सपोज हमने यहाँ पे 10th ऑफ एवरी मंथ सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे 10th करके ओके कर देंगे। मतलब हर मंथ के 10 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा और इस रिकरिंग डिपॉजिट में वो जमा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करते ही आपका ये रिव्यू वाला पेज खुल जाता है जहाँ पे आपका 10 ईयर यानी कि ड्यूरेशन, मैच्योरिटी डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट सारे डिटेल्स यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली आई हैव रेड एंड एग्रीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके कंफर्म करते ही आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब आपको दिखा देते हैं कि एक लॉन्ग स्पैन के लिए अगर हम लोग पैसा रखते हैं तो क्या होगा। सपोज हम यहाँ पे 1000 का डिपॉजिट करते हैं। ईयर में हम लोग सपोज यहाँ पे 3 ईयर सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया और मैच्योरिटी अमाउंट भी कितना ज़्यादा है। तो आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और ड्यूरेशन बढ़ाएंगे आपका इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। सपोज हम यहाँ पे 10,000 का एक डिपॉजिट सिलेक्ट करते हैं। ईयर्स हम लोग 1 ईयर ही सिलेक्ट करते हैं। देखिए आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों बात सिंपल है, आप फिक्स डिपॉजिट करें या फिर रिकरिंग। अगर आप ज़्यादा अमाउंट का करते हैं या फिर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करते हैं तो ही आपको ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।